हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप सो यू ऑल आर वेरी वेल एट योर प्लेस। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम निर्वाण जी मंदिर के बारे में बात करते हैं, जो बिलोची से निकलकर सड़क सीधा चरोल की तरफ जाती है, उस मंदिर के बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ। बहुत सुंदर सड़क है, पहाड़ियों के बीच में स्थित ये निर्वाण जी महाराज का मंदिर, जो कि श्री शिव जी को उपप्रेरित करता है, तथा इसके पास में ही गोमती जी का धाम है। और मेरे पीछे में ज़रा आपको दिखाता हूँ, यहाँ से राम निर्णुजा का मंदिर जो कि सर में स्थित है, ये बिलोची के पास पहाड़ियों में बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा आपका क्षेत्र है, जो काली घाटी के नाम से जाना जाता है। आई थिंक आप देख रहे होंगे दूर, बहुत दूर एक मंदिर है जो राम निर्णुजा का है, तो हम कभी आपको ज़रूर वहाँ घुमाने ले चलेंगे। चलिए मंदिर चलते हैं, मंदिर प्रांगण में आपको दिखाते हैं निर्वाण जी का मंदिर कैसा है। यह मंदिर बहुत पुराना है, प्राचीन काल में इस मंदिर का उल्लेख किया गया है, तथा यह मंदिर रामायण महाभारत में भी है। पहाड़ की चोटी पर स्थित इस मंदिर के बारे में पौराणिक में बहुत कुछ वर्णन है। बहुत सारे कबूतर हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोग श्रद्धा से आते हैं दूर दूर जगह से। कभी आप अपने परिवार के साथ आएँ और यहाँ देखें। जय जय सिया राम महाराज। ये महाराज हैं यहाँ के, जो पुजारी जी कहलाते हैं और यहाँ की सेवा करते हैं। तो मैं मंदिर प्रांगण में लेके चलता हूँ दोस्तों आपको। चलिए मंदिर प्रांगण में, ये पूजा स्थल बना हुआ है, मंदिर प्रांगण है ये आपका, बहुत ही प्यारा। 360 डिग्री पे इसको दिखाता हूँ मैं, दिख रहा बहुत ही पुराना और प्राचीन भव्य मंदिर है। इस मंदिर में कभी आप आए और बड़ी श्रद्धा से यहाँ पे सेवा पूजा करें। शिव जी महाराज का मंदिर है, शिव जी को रिप्रेजेंट करता है। श्रद्धालु यहाँ सावन में आते हैं। अब हम बाहर चलते हैं, बाहर की तरफ दिखाते हैं आपको। ये दूर राम निर्णुजा का मंदिर है जो आपको दिख रहा होगा, BSF कैंप के पास स्थित है ये। तो इस तरह से इस मंदिर में आप आ सकते हैं। आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं और घूमने आए अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही प्यारा मंदिर है। मेरे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एंड दूर दूर तक ये पहाड़ी, जो कि नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ हैं जो आपको दिखाई देती हैं, और इस तरफ कहीं गोमती धाम है, तो कभी मौका मिला तो हम आपको गोमती धाम भी घुमाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू, थैंक यू।